दोस्तों हमारी मुर्गियों के इतने ज्यादा बच्चे आ गए हैं और इनको पता ही नहीं है। अभी ना मैं इनको दिखाता हूँ इनके चिक्स। किधर है दोस्तों? आज फिर हमारे जो है ना चूजे यहाँ पर आ गए। इसको पकड़ने की किस तरह से कोशिश करते हैं। ये देखिए एक शेर जवान चढ़ रहा है ऊपर, और देखिए गिरी ना चूचे के चक्कर में, तू ना नीचे पड़ा हो। यार मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से कोई डंडा वगैरह ला के नीचे छलांग लगवाते हैं। अबे यार यार बच्चा कहें चूजे के पीछे तो चली गई है, चूजा के नीचे चला गया नाली के। एक मिनट, बड़ी बहादुर किस्म के बच्चे हैं, देखो कितनी हेल्प करवा रहे हैं मेरी। वैसे तुम ब्लॉग्स कौन कौन देखता है? देखो सारे सब्सक्राइबर हैं तभी इतनी हेल्प करवा रहे हैं। ओ नीचे घुसा हुआ है यार। मसला हो गया हमारा एक शेर जवान जो है ना वो गुम हो गया, और यहाँ से ना नाली नीचे से होके कहीं जाती है तो वहाँ से ही वो चला गया। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अली। चलें गाइस, चूजा तो गया, अल्लाह को प्यार हो गया, पता नहीं कब वापस आता है। वो बाहर निकलेगा तो फिर उसको पकड़ लेंगे, अभी नहीं मिल रहा वो। इतना गंदा ये काटता है ना। चलो पैंथर, चलो 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 जल्दी आ चलिए। यार व्हाइट चूजा हमारा एक नीचे चला गया नाली में। कौन सा यार पता नहीं मुझे, दोस्तों समझ नहीं आ रही कि वो चूजा कौन सा था। अभी हम जल्दी से ना चेक करते हैं, हमारी मुर्गी के टोटल 8 चूजे हैं, इसके ना अभी 3 व्हाइट मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे फार्मी चूजा हमारा जो है वो नीचे गुम हो गया। अभी ना मैं ऊपर होके देख रहा हूँ यहाँ से मुझे कहीं पे नजर आ जाए। यहाँ पे नीचे ना वो नाली के पास गया था लेकिन यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा। सब लोगों ने दुआ करनी है कि किसी रास्ते से वो बाहर आ जाए और हम उसको पकड़ लें। मैंने छलांग लगाई, मिट्टू नीचे गिर गया। दोस्तों हमारी ना इस फेयर के ना बच्चे भी निकल गए माशाल्लाह से। इधर मिट्टू के इधर करो, मैं बेबीज दिखाता हूँ। एक बच्चा निकला था जब मैंने लास्ट टाइम देखा था। अभी चेक करते हैं कि हमारी फीमेल के कितने बेबीज निकले हुए हैं। अभी तक एक ही बच्चा निकला हुआ है। इसको देखे अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तुमसे छोटे इंसान बन जाओ। देखो देखो काट रहे हो ना, काटता भी और बोलता भी है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहा है। दोस्तों हमारे पिजन्स केज में काफी ज्यादा गुड न्यूज आ चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं भेज रहे। तो उसकी वजह ये थी कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, अभी मेरे एग्जाम्स खत्म नहीं हुए, लेकिन मुझे हफ्ता और इतवार की छुट्टी है इसलिए मेरे पास काफी टाइम है कि मैं एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आज और कल व्लॉग बनाना है, फिर इंशाल्लाह वेडनेसडे से एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आएंगे रेगुलर व्लॉग्स। चलो भाई अंदर जाएं। खोलो 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 इसको, हमारा बेबी चेक करें कितना बड़ा हो गया। यहाँ पर मैं आपको दिखाया करता था एक अंडा पड़ा होता था, उसके बाद मैंने आपको दिखाया एक बच्चा निकला, और आज देखें इतना बड़ा कबूतर हमारे सामने। तब के टाइम का पता भी नहीं चला और इतनी जल्दी माशाल्लाह ये बड़ा हो गया। चलो भी हल्का हल्का उड़ने भी ये लग गया। ओए अयान का हैंड टाइम भी हो गया। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बेबीज निकल चुके होंगे, क्योंकि 3-4 दिन से मैं यहाँ पर मैंने चेक ही नहीं किया। तो जल्दी से देखते हैं क्या यहाँ पे। अबे अबे फंसा क्यों है, अबे यार क्या हो गया। हाँ हट गया अभी। ओ भाई साहब, पर दो बच्चे। ओए ओए, और बच्चों का साइज देखें कितने हेल्दी हैं माशाल्लाह से। इस दफा ना हमारे पास कबूतरों ने बहुत ज्यादा ब्रीड किया, जैसे बच्चे बड़े होते नए बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पर भी अंडे आए हुए थे, यहाँ पर अभी तक 2 अंडे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह 2 बेबीज, माशाल्लाह यार काफी अच्छी ग्रोथ हमारे पिजन्स की आ रही है। ये देखें मुन्ने को कितना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कबूतर के पास गुस्सा हुआ है। ओए इसका पाँव नीचे जो है ना वो अटका हुआ किसी चीज में, ये देखें। अच्छा तभी मैंने बोलूं निकल क्यों नहीं पा रहा। ये क्या हुआ है यार, समझ ही नहीं आ रही कैसे हो गया। कबूतरी ने नेस्टिंग के लिए अपना धागा अंदर लेके गई है और इसके पाँव में फंस गया। भाई कबूतरी के काम देखे जरा, अभी इसको निकालते हैं। 1 minute 37 seconds later. यार मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इसको तकलीफ हो रही होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलती ये हुई है कि मैंने क्रेट्स वगैरह चेक नहीं किए थे, अगर हम क्रेट चेक कर लेते तो शायद हम भी कबूतर इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करता। यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। और ये हमारे ब्राउनी पिजन्स का बेबी, यहाँ पर जो बच्चे हुआ करते थे ना दो, वो बच्चे माशाल्लाह अभी इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। चलो चलो चलो, हमारा चूजा ना भाग के ना दूसरी साइड पे चला गया था, मुर्गी से अलग हो गया था। यहाँ पे बैठो यार, ये बच्चा ना अभी आजाद हो, कितना ज्यादा खुश हो रहा है, देखिए अभी आराम से घूम रहा है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इन गमलों को ना हम अपनी फिंचेस कॉलोनी के अंदर रख देते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे। क्यों यार रखे इनको भी? मान भाई अभी नहीं रखा, पहले वो पड़े हुए हैं पहले। अच्छा ये अभी छोटे है ना, थोड़े से उग जाए फिर रख लेंगे, फिर ज्यादा अच्छे लगेंगे है ना। अभी ना दोस्तों मुर्गियों के लिए मैं थोड़ी सी शेल लेके आया हूँ, देखते हैं ये खाते हैं या नहीं खाते। चलो जरा खाओ, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या चीज है। नहीं देखो
खाओ। अबे डर के भाग गई इससे। ये देखे दोस्तों, आज हमने ना अपने केज को ना इसके ऊपर रखा है, देखा कितना प्यारा लग रहा है। सोचो ना कबूतर हमारे खुले हुए सारे, तो वो इसके अंदर आके ना घुस जाया करें, तो देखते हैं अगर ऐसा होता है या नहीं होता। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये आएंगे, क्योंकि वो ऊपर सुबह से बैठे हुए हैं, नीचे उतर ही नहीं रहे। इनको केज ना ऐसे ही बुरा लगता है, केज के अंदर आना ये पसंद ही नहीं करते। तो दोस्तों हमारे छोटा जी कबूतर हैं, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इतने बड़े, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, अभी आप लोग देखेंगे ना आपको पता चलेगा। इतने बड़े बड़े एकदम से हो गए, मतलब कमाल हो गए यार, अभी आपको दिखाते हैं। चलो क्रेट को यार बाहर निकालो। और दूसरा बच्चा कहाँ है? ना करो यार, यार ये कैसे मर गया? इतना प्यारा बच्चा था, मैंने सोचा था कि इस दफा दोनों, इसको पकड़ो एक मिनट, मैंने सोचा था इस दफा दोनों बेबीज पाल के बड़े हो जाएंगे, इनका पेयर बन जाएगा, क्योंकि पिछली दफा भी इनका एक ही बच्चा पाल के बड़ा हुआ था, लेकिन ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया माशाल्लाह, काफी क्यूट है ये। चलो वापस जाओ अंदर यार, इसको अभी दफनाते हैं इधर, दो मुझे इसको यहाँ पे रख दे। अयान ये देखो, और हमारी एक फिंच भी मरी हुई है, ये बड़ी फिंच है ये। तो दोस्तों हमारी एक फिंच भी मर गई यार, पता नहीं इसको क्या हुआ, गिरी हुई है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जरा, कल ना बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई है, और बारिश की वजह से ना हमारे केजेस के अंदर पानी चला गया, साथ वजह से शायद ये भी मर गई है। मुझे लग रहा है बच्चा भी जो है बारिश की वजह से मरा। दोनों लाशों को मैंने यहाँ पे रख दिया, बाकी पूरी है ना, हाँ बाकी ठीक है माशाल्लाह से, बस एक ही फिंच मरी है। अब आप लोगों ने दुआ करनी है कि बाकी फिंचेस ठीक रहे। ओए ये कैसे बाहर निकल गया? अच्छा दोस्तों आज ना आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, हमारी जो वाइट असीम मुर्गी है ना, उसने भी बच्चे निकाल दिए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अयान निकालो जरा, बाहर निकालो, यहाँ पर इनको रखा हुआ था, सुबह धूप लग रही। अंडे ये देखें, ये अंडे रह गए, बच्चों को लेके आओ अयान बाहर। ये देखें कंडा, इसके ऊपर ना ये भी लगी हुई है, इसके अंदर देखते हैं क्या चीज है। ओए 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 ओए, इसके अंदर बच्चा बना हुआ था, और मुर्गी ने यार इसको इनक्यूबेट नहीं किया, और ये देखें इसके अंदर खून ही खून बना हुआ है। ओए 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 यार, ये बर्तन किसने तोड़ दिया? अब यार नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, कभी परिंदा मर जाता है, कभी बर्तन टूट जाते हैं यार। ये मुझसे टूट गया था। Well done. हुआ इस तरह से था कि हमारी मुर्गी कड़क हो गई थी, और मेरे पास अंडे नहीं थे, तो हमारी जो बाकी मुर्गियां ना ये सारी ये अंडे आके दे देती, तो मैंने सोचा कि इनके अंडों के ऊपर ही बिठा देता हूँ, बस हमारे साथ भी बच्चे आ जाएं। दोस्तों इसकी फर्स्ट टाइम थी, इसी वजह से ज्यादा अंडों की केयर नहीं की। अभी इंशाल्लाह सेकंड टाइम जब ये बच्चे निकालेगी ना, तो फिर ये अच्छे से अंडों की केयर करेगी। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे चूजे हैं। ये देखिए जरा, ये पड़ा हुआ था और हमारा रैबिट ये खा रहा था। और दोस्तों मैं सोच रहा था कि हमारे रैबिट के बच्चे आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं ये बच्चे ही नहीं निकाल रहे। देखते हैं, अभी भी बैठी हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर बैठी हुई, कब निकालोगी तुम बच्चे हैं? चलो चलो यार, अभी भी मार रहे इसको। हमारी ना शिजुका बार बार नीचे जा रही थी, इसको मैं पकड़ के अभी इसके पास ला के छोड़ा है। यार जो हम लकी पेयर लेके आए थे ना, उसमें से इसका जो साथी था ना मेल, उसकी दूसरे दिन आते साथ ही डेथ हो गई थी। वो अंकल ने हमें बीमार कबूतर दे दिया था, उस टाइम मुझे समझ नहीं आई और मैं बीमार कबूतर लेके आ गया, और अभी सिर्फ एक ही रह गया। यार मुर्गी को यहाँ पर ही बंद करें, यहाँ पर ही कर देते हैं। दोस्तों ये वाली जो जगह है ना, ये थोड़ी सेफ लग रही है मुझे, यहाँ पर बिल्ली और कबों का मुझे डर नहीं होगा। हाँ चलो यहाँ से लेके आओ, मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि कबे जो है ना किसी टाइम भी आ सकते हैं। चलो आओ, चलो तीन रह गए, तो चलो चलो मुर्गी के पास, वो छलांग लगाओ, ऐसे नहीं जाएगा खुद ही, चलो तुम भी जाओ। तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, तुम लोगों के बच्चे भी आ गए, और तुम लोगों को पता ही नहीं है भाई, दो बच्चे इनके हैं, और वाइट जो ब्लैक वाले बच्चे हैं ना, वो हमारी ब्लैक काउ गैंग के हैं, जो हमारी काली मुर्गियां ना इनके। ये देखो तुम्हारा बच्चा, पहचानो इसको, ये देखे भाग रही है डर के। चलो 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 अंदर जाओ, इसको अपनी अम्मा के पास छोड़ देते हैं। चलो ओए पीछे क्या है यहाँ पे? हमारी मुर्गियों के इतने ज्यादा बच्चे आ गए हैं, और इनको पता ही नहीं है। अभी ना मैं इनको दिखाता हूँ इनके चिक्स, और देखते हैं कि ये इनको पहचान पाती हैं या नहीं पहचान पाती। चलो ये देखो तुम लोगों के बच्चे इतने ज्यादा, क्या हो यार ये देखे, इन मजे से जा रही है, इनको पता ही नहीं है भाई, ये क्या बात हुई यार, इनको पता ही नहीं है कितने ज्यादा प्यारे प्यारे बच्चे आ गए और यहाँ पे मजे से एंजॉय कर रहे हैं। What the f-
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, दो मिनट याद रखें तब के लिए। अल्लाह हाफिज।